वालेकुम सलाम आप सब की बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। हाँ। तो रोने लगा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आज जुमे का दिन है, सब देखने वालों को जुमा मुबारक। और मौसम बहुत ही खूबसूरत है, आज बादल हल्के हल्के बने हुए हैं, धूप भी निकली हुई है। ये क्या लेके आ रही हो? अभी रिमशा के काम देखे, बैठ के चला के दिखाओ ना। नहीं ऐसे क्यों लेके? टूटी हुई है ना, बैठूंगी फिर टूट जाएगी। कुछ नहीं होता, टूट जाएगी सच्चे। नहीं कुछ होता, तुम्हें चलानी आती है? थोड़ा बैठ के चला के तो दिखाओ। मुझे चलानी नहीं आती, बैठ सकती हूँ वैसे। चलाओ ना इसको। चलाओ चलाओ, कुछ नहीं होता, मैं धक्का लगाता हूँ। तुम बैठो, मैं धक्का लगाता हूँ। क्या है, गिर गई है यार। तुम उसकी साइकिल भी पड़ी हो यार, टूट गई है ये, निकली हुई है ना ये, तो इस वजह से ना रिमशा के लिए। बड़ी होती तो फिर चला लेती। अच्छा तो अभी ना आज एक्साइटेड क्यों लग रही है रिमशा, वो भी आपसे शेयर करते हैं। आज तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं है, क्यों खुश हो रही है वो सब आपके लिए सरप्राइज है। आप सब व्यूअर्स से शेयर करते हैं, ढेर सारी बातें आज आप लोगों से शेयर करने वाली हैं। व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, व्लॉग के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर भी कर दिया करें। हाँ, ठीक है तो चलें। अभी साइकिल ही नहीं चला सकती, इसको ले के आगे मैं खड़ी कर देता हूँ। सकीम की साइकिल है, वो फिर आके कहेगा कि मामू मुझे और ले के आके दो, ये टूट गई है। अभी इसको पकड़ते हैं इधर से। ओए हो, ये चल क्यों नहीं रही? और जी क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्यों आप कहीं गए होते? नहीं अभी मैं आ रहा हूँ ना, मैं अभी जहाज मैंने लैंड किया है तो उसको करने के बाद मैं आ गया हूँ इधर। हाँ, सही है। तो काफ़ी सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि भाई आप ना हमारा वीडियो में नाम लिया करें, ढेर सारे भाई भी कह रहे होते हैं और ढेर सारी माएँ। कोशिश तो यही होती है कि आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दें। और आई थिंक अलीना सिस्टर है तो वीडियो देखती हैं रात, उन्हें कमेंट्स किया है कि मेरा आपने नाम ज़रूर लेना है, थैंक यू सो मच। और आप क्या करें, इंशाल्लाह हम नाम ज़रूर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है ना निमशा? हाँ बिल्कुल। तो आप इस्लाम दुआ कर लो यार, क्या हाँ, हो गया? मैं सलाम कर तो रही हूँ। अच्छा आप भी, ये भी एहसान कर रही हो है ना? नहीं एहसान कर रही हूँ। चलें जी वीडियो के साथ रहें, अभी फिर मैं अभी कुछ एहतमाम करना है आज इंशाल्लाह, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। लास्ट फ्राइडे आपने देखा था हमने दुआ करवाई थी, एहतमाम किया था, तो प्लीज़ आज भी आपने दुआ करनी है। ताला इस मकसद के लिए हम एहतमाम कर रहे हैं, मकसद हमारा अल्लाह ताला पूरा फरमाए, तो इस नीयत से अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी आप सब दुआ करनी है, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर करे। ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम व्लॉग में नहीं बता रहे होते, ज़िंदगी में चल रही होती हैं, ढेर सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं। व्लॉग लोगों को बिल्कुल परेशान करने के लिए नहीं बनाया जाता, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं। तो प्लीज़ आप सब के लिए दुआ किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे, सबके हक में अल्लाह ताला बेहतर सबके लिए आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह। शाम के 5 बज चुके हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, बादल वगैरह चले गए हैं, धूप निकली हुई है और थोड़े थोड़े साइडों पे हैं लेकिन धूप निकली हुई है। तो अभी मैं आ रहा था पट्टे लेने क्योंकि शाजी उधर से कपास से घास तोड़ी है, वो तोड़ के इकट्ठा कर लेती है, तो मैं सर पे उठा के आऊँगा और हम देंगे अपनी गाय को। अभी मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये रही शादिया, ये तोड़ रही है और निमशा भी इधर ही कहीं होगी, नज़र नहीं आ रही।
आप सब कह रहे थे कि हाशिम भाई आप 200-400 के आमों की खातिर रो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी बात है। सीरियसली मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था इस चीज़ का कि देखें मैं आपको कैसे डिफ़ाइन करूं इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में बकरी पालते हैं तो कि वो तो ज़िबा होनी होती है, वो भी ज़िबा होती है ना, हमें अफसोस होता है घर में हम उसको पालते हैं, हम उसको ज़िबा करते हैं तो इस तरह ना थोड़ी ऐसी मतलब सैड फीलिंग होती है कि फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी कल 2-3 दिन पहले हमने परिंदे आज़ाद किए थे, घर में रखे हुए थे, और फिर सुहेल भाई ने उसको उनको आज़ाद कर दिया। हम आके इधर ही हमने उनको छोड़ा था, इधर ही आके हमने उनको छोड़ा था, लेकिन उस टाइम यकीन माने सुहेल भाई की आंखों में आंसू थे, वो इमोशनल हो रहे थे, तो मैंने खैर फिर ज़्यादा उनको वो नहीं किया। तो इस तरह ना हमें चीज़ों से प्यार होता है, तो असल ये वजह है। ये आम लगे हुए थे, हम जाते थे, मैं अच्छा लगता था, और एकदम से वो मतलब तोड़ के चले गए हैं, तो इस चीज़ का अफसोस हुआ है। तो बाकी मुझे भी पता है 200-400 के नहीं 500 के भी हों तो भी अफसोस तो होता है। मैं जी अभी इधर पहुंच आया हूँ पट्टे लेने, लेकिन तोड़ लिया हुआ है घास, ले जाऊँ। पट कि चाह बना चौकी अच्छा, अभी कह रही हैं हम अभी आ रहे हैं, आप आ ही गए हो, तो ये अभी काट लेती हैं तो फिर मैं लेके जाता हूँ। हमारी घास इससे भी छोटी है, ये तो फिर भी बड़ी है, तो इसलिए ना ये देखें ये जो घास उगी हुई है ना कपास में, ये तोड़ते हैं और फिर के जाते हैं गाय के लिए। कल काफ़ी बहनें जो है कह रही थी कि आप ना अपनी सिस्टर के यहाँ नहीं गए, उन्हें पूछने नहीं गए, उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी। पहली तो बात है हमारी बात होती रहती है, वो ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समटाइम ऐसे प्ले करने पड़ते हैं, और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि आके व्लॉग मैं बनाऊँ जिससे व्यूअर्स को परेशानी हो, और इस तरह की जो है वो हर बंदा अपनी प्रॉब्लम में होता है और फिर इस तरह चीज़ें शेयर करना ये कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन खैर ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि चैनल पे व्लॉग में बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको पता लग जाएंगी क्या है और क्या नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं, ठीक हैं। एक अजीब ही आदत है, हर दफ़ा गेट बंद होता है, गेट इसने बंद किया होता है, बंद कर लेती है, इसे खोलना नहीं आता। खोलो, खोल जल्दी कर, खोल, मैं खाना थी बारू, खोल खोल खोल, चलो जल्दी कर, खोल किधर टापा वहाँ। अभी देखें कह रही उधर से ना दीवार चलाऊं कि आज हम उसे खुला नहीं है, खोलो यार है। जल्दी खोल जल्दी कर, अभी कोई और नहीं है अंदर, इधर से देखता हूँ। ये आ रही है शादी ओ हुआ है, जब खुलता नहीं है मार लेती हो। चलो चलो आज खुश कहने था ही खड़ी तेरी धी तक मिलाना दी पई आज है। अच्छा खुश है आज, अच्छा हाँ। रोज आदिया में मैं कुमान के मिलवा आओ दे, आज आनी नहीं पाई मेरी दीदी, हाँ खुश थी। अम्मी अभी देखें हिमा से सफाई करनी पई, अम्मी देखें झाड़ू लगा रही हैं और कह रही हैं कि ना आज मेरी बेटी आ रही है की वजह से ना मैं खुद सफाई कर रही हूँ। अभी सुहेल अम्मी किधर है, उसको बुलाओ, कोई सब्जी कोई क्या पकाना है ले आए। चलो मैं बताता हूँ, शाजिया किधर है, शाजिया ये देखें अभी शादी अभी तैयार हो रही है, नया सूट पहन लिया है, क्या बात है। कितने मेरी सिस्टर आ रही है ना इसलिए, कितने दिन बाद आ रही है। अच्छा तो तैयारियां श्यारियां जो है वो
हो रही हैं कि मेहमान आ रहे हैं घर पे, इसलिए ना। वैसे तो मतलब घर में तो ऐसे ही कोई भी पहन लेता है, लेकिन जब किसी को मुंह दिखाना, ये नहीं पता कि इतने लोग हमें वैसे भी देखते हैं, उनके लिए नहीं पहनना। ये अभी कोई आ रहा है तो उसके लिए पहन लेना। आपको पता है इस कैमरे के पीछे कितने लोग देखते हैं आपको? वैसे ये बात आपने सही कही है, लेकिन फिर भी जो है बंदा घर का काम करता है तो वैसे आप भी तो ऐसे बनने जुने नहीं देते कैमरा। यार मैं तो मेल हूँ ना, मैं तो लड़का हूँ फिर भी, लेकिन अब हम भी रोजाना चेंज करेंगे बस। अच्छा चलो ठीक है, गलती मान ली है शादिया ने, देखी दी अम्मा बस। अभी मैं पहुंचा हूं दुकान पे, अब्बू जी बैठे हुए हैं, सुहेल पता नहीं किधर गायब है, नजर ही नहीं आ रहा। ही जाना होगा सब्जी और सौदे लेने। मुस्तकीम बर्तन उठा के आ गया, इधर से हमने अभी लेना है दूध। ए दाई दूध लेना से दो इतू जड़ा गिन सो उन देखते अब्बा। बिया चावा मान खीर भी जड़ा होटल लेकिन चावा भाज 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 शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या करे ना निम शादी वीडियो बनाने सडे दी पइए आ बन वल। चलो जोल फाज जाओ जुलो शाबाश जुलो जोल। अभी जोया मुझे आई है बुलाने के, निमशा बुला रही है कि आ जाओ सौदे वगैरह बताते हैं कि क्या ले के आना है। चाचा में दापे खीर गिनन, चाचा मेरी देगड़ी चाहिए बने की दिया में। अम्मा शाजिया रिमशा ये बैठी हुई हैं इधर मेहमानों के इंतज़ार में, तो मेहमान आते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। घर में हूँ पाप, मेरा भी भाई है ना, मैं अपने भाई। अच्छा डिवाइड क्यों है? चलें खुशी काफी दिनों बाद आ रहे हैं तो इसलिए ना एक्साइटेड हो रहे हैं सारे कि मेहमान आ रहे हैं घर पे। और सौदे में लेके आ गया हूँ, चावल लेके आ गया हूँ, बना लो ठीक है। चावलों को भिगोना भी है तो मैं भिगो देती हूँ। और आप रिमशा क्या करेंगी आज, तो आपकी काम की छुट्टी? नहीं मैंने अपना काम जो है जल्दी जल्दी खत्म कर दिया है, इसीलिए रोटी भी बना। अबू जान तो अम्मी जान और अबू जान तो रोटी खाएंगे। वालेकुम सलाम, ठीक बिल्कुल ठीक। आप सब ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हादी कैसा है? वो भी ठीक है बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट लग रहा है, ये तो रोने लगा है। हाँ हाँ सर ठीक है, तू ठीक भी है क्या? भाभी रिम क्या हाल है? ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि अभी मैं नानों के घर जा रहा हूँ। मैंने तो कहती थी तो ये जो है बातें मुझे करने लग जाता था।